तो अगली खबर सिद्धार्थनगर से। यहां 20 दिन पहले एक सड़क बनती है और 20 दिनों के बाद यह सड़क टूटकर बर्बाद भी हो जाती है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन की वजह से ट्रकों का आवागमन इस सड़क पर काफी बढ़ चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि कई बार जब ट्रक फंस जाती है तो जेसीबी के जरिए सड़क को खोद कर इन ट्रकों को बाहर निकाला जाता है। करीब 9 करोड़ की लागत से बनी यह सड़क जगह जगह से धस कर जर्जर हो चुकी है। यह सड़क जोगिया ब्लॉक के भैंसहवा से जीतपुर तक बनी है, जिसमें ट्रकों के आवागमन से बन रही है सड़क जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क की क्वालिटी भी क्या कुछ है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, 9 करोड़ में ये पूरी की पूरी सड़क बनकर तैयार हुई है और इस सड़क की इस अवस्था के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि अवैध खनन की वजह से ट्रकें यहां से पास करती हैं बड़ी संख्या में, जिस वजह से ट्रकों सड़क की ऐसी स्थिति हो गई है। ये मामला ये है, इस मार्ग पे लगभग ये इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, जिस पे लगभग 8 किलोमीटर लेपन का कार्य अभी वर्तमान में हुआ है, 8 किलोमीटर से कुछ कम। और इसके तीसरे किलोमीटर में एक खदान है, खदान बालू की खदान है। तो वहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं इस तीसरे किलोमीटर में, और वो हमारे इस नवनिर्मित मार्ग के ऊपर से होके गुजर रहे थे, तो उनके खदान से जो बालू लाई जा रही है उसमें बहुत भारी एक तो लोडिंग है, दूसरा उसमें पानी साथ में आ रहा है, तो वो रोड पे आके जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके पानी गिरने से मार्ग पे कुछ क्षति हुई है, मामूली सी है बहुत, इसको मैंने कल देखा था, बहुत मामूली सी क्षति है, लेकिन ये भारी वाहनों की वजह से है, ना कि किसी गुणवत्ता की वजह से। जी, मतलब जो गाड़ियाँ जा रही हैं जी अंडर लोडिंग नियम से ही जा रही हैं। नियम से ही जा रही हैं सर, 700 से 800 फीट के अंदर ही जो है हम लोग बालू देते हैं उसमें, उसके अलावा उससे ज़्यादा देते ही नहीं है। तो रास्ता तो टूटेगा ही, अब ये नहीं है कि जो है टूटेगा नहीं, रास्ता टूटने में थोड़ा बारिश हो गया, तो एक्चुअली उसी टाइम सड़क बना हुआ था और फिर गाड़ियाँ निकल गई, तो बारिश की वजह से थोड़ा जो उसमें पानी अंदर चला गया, इसकी वजह से 4-5 जगह जो है वो सड़क जो है टूट चुका है। तो उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं भाई, जो भी नुकसान हुआ उसको जो है हम लोग भरपाई करेंगे, उसको हम लोग बनवाने के लिए भी तैयार हैं।